इट्स अबाउट अमन गुप्ता। फैक्ट नंबर 10, मित्रों अमन गुप्ता जी ने शार्क टैंक की सीजन 1 में 28 स्टार्टअप में 9,38,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और अभी आप देख भी सकते हो कि अमन गुप्ता जी ने किस किस स्टार्टअप में कितना इन्वेस्ट किया था। फैक्ट नंबर 9, मित्रों अमन गुप्ता जी शार्क टैंक की सीजन 1 में भी थे और शार्क टैंक के सीजन 2 में भी है, और जब से अमन गुप्ता जी शार्क टैंक में आए हैं तब से उनकी कंपनी की वेबसाइट पर ट्रैफिक 3 गुने से भी ज्यादा हो गया है। फैक्ट नंबर 8, मित्रों अमन गुप्ता जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उन्हें शार्क टैंक में सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहा कि उन्होंने झाजी अचार, जो कि अचार बनाने वाली एक स्टार्टअप है, उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, और आज की डेट में झाजी अचार मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। फैक्ट नंबर 7, मित्रों अमन गुप्ता जी को पहले शार्क टैंक के लिए ऑफर नहीं आया था, बल्कि बोट कंपनी के दूसरे फाउंडर समीर मेहता को शार्क टैंक का ऑफर आया था, लेकिन समीर मेहता को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने अमन गुप्ता जी का रेफरेंस दे दिया। फैक्ट नंबर 6, मित्रों अमन गुप्ता जी बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है, फिर इन्होंने सीए भी किया हुआ है, और फिर इसके बाद इन्होंने एमबीए भी किया हुआ है। फैक्ट नंबर 5, मित्रों अमन गुप्ता जी को बोट कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया तब आया था जब ये जेबीएल कंपनी में काम किया करते थे, और जेबीएल कंपनी की तेजी से इंडियन मार्केट में ग्रोथ होते देख अमन गुप्ता जी को भी लगा कि मुझे भी अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 4, मित्रों अमन गुप्ता जी ने अपनी बोट कंपनी को 2016 में शुरू किया था, और जब ये अपनी कंपनी को शुरू कर रहे थे तब पहले से इंडियन वेरिएबल मार्केट में 200 कंपनियां से भी ज्यादा थी, लेकिन आज अमन गुप्ता जी की वजह से बोट इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल कंपनी बन चुकी है। फैक्ट नंबर 3, मित्रों अमन गुप्ता जी के पास बोट कंपनी का 28% इक्विटी है, और आज की डेट में बोट कंपनी की वैल्यूएशन है 2200 करोड़ रुपए, जिसके हिसाब से अमन गुप्ता जी की नेटवर्थ होती है 616 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 2, मित्रों अमन गुप्ता जी बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और जब ये अपनी सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे तब ये रोजाना 15 से 16 घंटे पढ़ाई किया करते थे, और ये बहुत कम उम्र में ही सीए बन गए थे। फैक्ट नंबर 1, मित्रों अगर आप भी फ्यूचर में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो अमन गुप्ता जी की ये एडवाइस आपको हमेशा काम आएगी। तो वी अंडरस्टूड आवर कंज्यूमर्स वेरी वेल, दैट इज व्हाट आई थिंक is a key to our success. Right? Now, there's a guy called Jeff Bezos. I think everybody, each one of you know Jeff Bezos. So Jeff has been a big inspirer. I look up to him. Why? जब वो आए थे ना इंडिया Amazon, तब उस टाइम पे ना बहुत सारी e-commerce companies होती थी. मैं नाम नहीं लेना चाहता, but बहुत सारे थे. मैंने उनसे क्या सीखा? Customer obsession. Customer obsession क्या होता है? That आप अपने customer का ध्यान रखो, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे. बचपन में बोलते थे ग्राहक भगवान होता है. वो सुना था ना? सुना है ना आप लोगों ने? ग्राहक भगवान होता है, सच है. कस्टमर भगवान है, उसका तुम ध्यान रखो, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा।